नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरें क्या हैं रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का सुविचार। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अब खबरों का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में करीब 2.5 महीने के बाद एक बार फिर से आज से जिम खुलने के लिए तैयार है। एक और जहां इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये राहत की खबर है, तो वहीं फिटनेस प्रेमियों के लिए एक खुशी की सौगात भी है। जिम मालिकों ने इस बार वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मेंबरशिप फीस में छूट देने का फैसला भी किया है। यही नहीं बल्कि पहली डोज वालों से ज़्यादा डिस्काउंट दूसरी डोज लगवाने वालों को दिया जाएगा। एक समय में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए स्लॉट बुक करा कर ही आने की व्यवस्था भी जिम में रखी जाएगी। खास बात यह है कि स्लॉट अपॉइंटमेंट में भी वैक्सीन लगवाए हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्विटर ने भारत में नए आईटी नियमों के तहत ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जो शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था, उसने अपना पद छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र चतुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्हें हाल ही में ट्विटर द्वारा भारत के लिए अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की वेबसाइट पर अब उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत आवश्यक है। हालांकि ट्विटर ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। यह ऐसे समय में हुआ जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स ट्विटर भारत सरकार के साथ संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 टीकों की किल्लत खत्म करनी चाहिए और इसे महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए टीके उपलब्ध होने चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो संबोधन मन की बात के प्रसारण के बाद ये बात कही, जिसमें मोदी ने टीकों को लेकर हिचकिचाहट खत्म करने की बात कही थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। कांग्रेस नेता ने मन की बात हैशटैग इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, काम की बात सिर्फ एक, वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। उन्होंने लिखा कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुँचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए उन पर कोविड-19 टीकों के बारे में गलतफहमी, असमंजस और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है, जिसके चलते कई लोग खुराक लेने से इनकार कर रहे हैं और उनकी जान खतरे में पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के आईईडी मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शख्स का नाम नदीम उल हक है और वो बनिहाल का रहने वाला है। 22 वर्षीय नदीम पर आरोप है कि उसे 4 किलो आईईडी दिया गया था, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव के लिए जम्मू के भीड़भाड़ वाले इलाकों में रखा जाना था। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में अभी और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को जम्मू एयरफोर्स के तकनीकी क्षेत्र में हुए 2 विस्फोटों के बाद 5 से 6 किलोग्राम का एक आईईडी को बरामद किया था। इसी मामले में नदीम की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बताया कि यह आईईडी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का था और भीड़भाड़ वाली जगह पर रखा जाना था। आईईडी को रिकवर करने की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 विस्फोटों के बाद एक आतंकी हमले को होने से रोक दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरह की रणनीति अपना रही हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग रिलीज कर दिया है। इस गाने का टाइटल सुख दुख में साथ निभाएंगे रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस गाने को लॉन्च किया है। गाने में सपा ने दावा किया है कि हर मुश्किलों में जनता का साथ मिलजुल कर निभाएंगे। सपा अध्यक्ष ने इसे शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख के साथ निभाएंगे। गाने में लॉकडाउन, कोरोना काल की अव्यवस्था और सरकारी बदहाली की तस्वीरें लगाई गई हैं। सीएम योगी पर भी गाने में तंज कसा गया है। दरअसल कोरोना काल में अंतिम संस्कार, नदियों में तैरती लाशों की तस्वीरें भी इस गाने में साझा की गई हैं। गाने के बोल में जमकर भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधा गया है। सीएम योगी को गाने में अवसरवादी बताया गया है, साथ ही अखिलेश यादव को गरीबों का मसीहा बताया गया है। बता दें अखिलेश सरकार के दौरान किए गए कामों का जिक्र भी तस्वीरों के जरिए गाने में किया गया है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।